वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने वार्ड नंबर 41 से शाहजा बेगम सलीम अहमद चित्तापुरी को मैदान में उतारा है। आई हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा शाहजहां बेगम, बात करते हैं क्या क्या इश्यूज लेकर अवाम के दरमियान जा रहे हैं, थोड़ा सा उनका तारुफ भी लेते हैं। मैडम पहले आप वोटर्स के सामने कुछ अपना तारुफ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहजहां बेगम सलीम अहमद चित्तापुरी के अहलिया हूँ और मैं वार्ड नंबर 41 से मुझे मैदान में उतारा गया है। क्या क्या इश्यूज़ वगैरह आप आए हैं तो क्या क्या इश्यूज़ वगैरह आपके सामने नज़र आ रही हैं? हाल आपके शोहर नामदार गुज़्ता 10 बरसों से समाज खिदमत में लगे हुए हैं, तो आपको भी तजुर्बा है कुछ समाजी खिदमत का, तो आपको इश्यूज़ वगैरह आपके वार्ड में इश्यूज़ वगैरह क्या दिख रहे हैं जो आप उनको लेकर अवाम के सामने जाएंगे? हमारे वार्ड में इश्यूज़ का बहुत बड़ा मसला है। पहला मसला पानी का है, दूसरा मसला जैसा बताया गया है कि हामिला औरतों का है और कचरे वगैरह का है, कचरे की गाड़ियां नहीं आते और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लाइट तो है ही नहीं और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आते हैं औरतें और हम करा भी रहे हैं। जब से यहाँ आए हैं गुलबर्गा में तो ये काम बिल्कुल जारी है। अब मौका आया है हमें इख्तदार का, हमें उतारा जा रहा है इलेक्शन के इस मैदान में, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें नवाजेगा और सारे लोगों के मुश्किलात को रद्द अमल में लाके क्या है, अगर हमें वोट दे के सब मिलके हमारा साथ दिए, हमें वोट दे के जिताइए, इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपके पूरे मुश्किलात को हल करेंगे और पूरे काम करेंगे। और जो भी छोटे बड़े मसाइल हैं, औरतों के ज़्यादातर मसाइल हैं, गरीब आवाम की बहुत सारी शिकायतें आते हैं, लेकर आते हैं, किसी को घर है, किसी को कुछ है, कुछ ऐसे तमाम बातें आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो थोड़े बहुत कर रहे हैं हम, फिर भी अगर हम जीत के आ गए तो इंशाल्लाह उनके और खुशियां हो जाएंगे, ज़्यादा उनकी खिदमत करेंगे ज़रूर हमें, और करते भी आ रहे हैं और पहले से भी हम कर रहे हैं, यानी गाँव में भी कर रहे हैं, जब से हमारी शादी हुई है। मेरे हस्बैंड तो पूरे 30 साल हो गए शादी हो, इन्हीं कामों में जुड़े हुए हैं और ईमानदारी से, बहुत इंसानियत से, अखलाक से काम लेते हैं। मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं उनका साथ देती आई हूँ और अब तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह इतना बड़ा मौका दिया है हमें। मैं आवाम से यही गुजारिश करती हूँ कि तमाम औरतों से, भाइयों से, बहनों से, तमाम से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के, हम पे भरोसा करके, भारी अक्सरियत से अगर हमें जिताएंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम मसले हम ज़रूर पूरे करेंगे। आप एक लेडी हैं तो ख़वातीन के मसाइल आप बेहतर तौर पर जानती हैं, तो कई ख़वातीन आपके पास गुज़्ता कई बरसों से आते होंगे, किस तरह के मसाइल यहाँ के मसाइल से यहाँ की ख़वातीन जूझ रही हैं, तो एक खातून होने के नाते उनके दर्द को आप करीब से समझ सकती हैं, तो क्या क्या इश्यूज़ वगैरह हैं यहाँ पर जो ख़वातीन के, जो क्या इश्यूज़ हैं यहाँ के? इश्यूज़ ये हैं कि ख़वातीन के पास उनके शोहरों ने काम नहीं करते, यहाँ के ख़वातीन को घरों के काम करना पड़ता है, बर्तन धो के वगैरह, बच्चों के पाल पोस करना पड़ता है और बच्चों के स्कूल से महरूम हैं बच्चे उन लोगों के, क्योंकि एडमिशन ज़्यादा है, गवर्नमेंट स्कूल में तालीम सही नहीं होती, तो इस तरह से बहरहाल उनकी किफालत की वजह से वो लोग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो हम उनकी भी मदद करना चाहते हैं और कई बच्चों को हम एडमिशन कराए भी हैं। वो ज़ाहिर है आवाम को मालूम है कि हम क्या करते हैं और कितने लोगों का हम साथ दिए हैं। एक खातून होने के नाते जनरली ख़वातीन में जो है हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर भी आपके एरियाज़ में हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं, तो आपके पास यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं हैं, तो उसके ऊपर आपके पास कुछ एक्शन प्लान वगैरह है यहाँ के जो लेडीज़ के जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके लिए? जी हाँ, प्लान है, वही जीत कर आने के बाद इंशाल्लाह ये तमाम बातों के पूरे मसाइल हल हो जाएंगे। हम पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, अल्लाह को गवाह रख के इंशाल्लाह हम तमाम काम पूरे करेंगे। ये नहीं कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम करते आए भी हैं, अब तो ये हमें मौका मिला है, लेकिन अब तक तो मेरे हस्बैंड 30 साल से ये काम कर रहे हैं, अभी भी यहाँ गुलबर्गा के हम 12 साल हो गया, तो ये वही कामों में लगे हुए हैं। हम उनका साथ देते हैं, लेडीज में जा कर के साथ देते हैं, ऐसा इस तरह से चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं लेडीज़ के,
कर रहे हैं। अच्छा, तो रिस्पांस कैसा मिल रहा है, लेडीज में कैसा रिस्पांस होता है? तो मर्द आदमी को जरा लेडीज तक पहुंचने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, मगर लेडीज जो है घरों में जा कर सकते, पर्दानशीन खवातीन से बात कर सकती हैं। तो आप जो घरों में जाकर जिस तरह से लेडीज से मुलाकात वगैरह कर रहे हैं, तो किस तरह से लेडीज का आपको रिस्पांस मिल रहा है? लेडीज का देखिए अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी लेडीज हम जाके मिल रहे हैं उनसे, तो वो तो हमको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें वो वोट देंगे, जरूर देंगे, पूरा यकीन है हमें। शुक्रिया। ये थे मोहतरमा शाहजहाँ बेगम, जोजा सलीम अहमद साहब चित्तापुरी, जिनका ये कहना है कि खातून होने के नाते वो ख़वातीन के मसाइल को बखूबी बेहतर जानती हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि ख़वातीन के जो तिब्बी इशूज़ है, जो हेल्थ इशूज़ है, उस पर काम किया जाए। और जो बेसिक कम्यूनिटीज़ वगैरह हैं, जैसे कि पीने का पानी वगैरह है, जिस तरह से गंदी नालों की सफाई वगैरह है, उसके ऊपर भी ये तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। गुलबर्गा हिंद क्रॉनिकल, जवाद मीर।